अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहनों की बातों में आपको वेलकम। आज मैं आपके लिए जो चीज लाई हूँ वो कोई खाने की रेसिपी नहीं है, क्योंकि बहनों की बातों में सिर्फ खाने की बातें तो नहीं होती। तो आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है एक स्किन केयर रेमेडी, जो कि आप बहुत इजीली घर में बना सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल है। जैसे कि आजकल स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स है आसमानों से बातें कर रही है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो मैं आज रेमेडी लाई हूँ आप इजीली उसे आप घर में बना सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी, जो नहीं कर सकते वो भी, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि स्किन केयर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप लड़के हो या लड़की, दोनों के लिए आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है, मतलब जरूरी है। आप ट्रेवल करते हैं बाइक पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, आप स्कूल गोइंग है या कॉलेज यूनी के स्टूडेंट हैं, आप स्किन केयर इज मस्ट। अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए सबसे पहली चीज जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है, फर्स्ट नो योर स्किन। आपको क्या सूट करता है, क्या स्किन टाइप है, आपको जानना जरूरी है। ड्राई स्किन है आपकी या कॉम्बिनेशन है या ऑयली स्किन है, पहले आप अपनी स्किन को पहचानें कि कौन सी टाइप है आपकी स्किन की, फिर आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट यूज करें। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कोई चीज हमें मार्केट में अच्छी लगी, वाओ सो क्यूट, और हम खरीद लेते हैं। ऐसे नहीं करना, हमें अपनी स्किन टाइप जाननी है, पहचाननी है, उसके बाद हम कोई प्रोडक्ट यूज करें तो वो आपकी स्किन को सूट भी करेगी, कोई रिएक्शन भी नहीं होगा उसका। इसी के साथ मैं आगे चलती हूँ। तो जो मैं आज सीरम आपको बनाना बता रही हूँ वो है ग्लो सीरम, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। मैं इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ उनके फायदे भी आपको बताती रहूंगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल, मैं बॉटल वाली यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो आपके घर पर अगर प्लांट लगा हुआ है आप वो भी यूज कर सकते हैं। हम इसको 3 टेबल स्पून डालेंगे, तो फ्रेंड्स मैंने इसमें 3 टेबल स्पून एलोवेरा जेल डाल लिया। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी स्किन को ब्राइट करता है, ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज है इसमें। ऑयली स्किन वाले एज अ सनब्लॉक और एज अ प्राइमर इसको यूज कर सकते हैं, और ये अपने अंदर सन टैन रिमूवल के बेनिफिट्स रखता है। दूसरी चीज जो हम इसमें डालेंगे वो है मिल्क। मिल्क का ख्याल रखिएगा, सिर्फ ड्राई स्किन वाले डालें, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ही आप डालें इसको, वरना ऑयली स्किन वाले बिल्कुल ना डालें, कॉम्बिनेशन स्किन वाले डाल सकते हैं। एक्नी प्रोन स्किन जिनकी है वो भी ना डालें, वरना आपकी एक्नी को ही ना और बढ़ा सकते हैं। 2 टेबल स्पून में इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिल्क के बेनिफिट्स ये हैं कि ये पिगमेंटेशन खत्म करता है, दूसरा एज अ मॉइस्चराइजर ये बहुत अच्छा है। एक बार फिर कहूंगी कि सिर्फ ड्राई स्किन वाले यूज करें इसे, ऑयली स्किन वाले बिल्कुल ना करें। तीसरी चीज जो हम इसमें डालेंगे वो है 2 टेबल स्पून ग्रीन टी। ग्रीन टी के बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी ये ग्लोई इफेक्ट देते हैं आपकी स्किन को, और आपकी स्किन आईज की पफिनेस को रिड्यूस करते हैं। दूसरा ये स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत मुफीद है। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे वो है रोज वाटर, ये सबके घर में ही होता है और इसके बहुत से फायदे हैं, सभी को पता होंगे। एक तो आपकी फेस पे जो रेडनेस होती है वो खत्म करता है, इरिटेशन को कम करता है, मॉइस्चराइजर एज अ मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है ये हाइड्रेशन के लिए, और आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। आप सीरम में ना भी यूज करें, आप वैसे ही चलते फिरते आप इसको अपने फेस पे स्प्रे करें तो भी बहुत फायदेमंद है। इसको हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैं मिक्स कर चुकी हूँ, ये हमारा सीरम बिल्कुल रेडी हो गया।
सीरम और मॉइस्चराइजर वैसे तो सेम ही काम करते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर ग्लो नहीं देता, सीरम आपकी स्किन को ग्लो देता है। आप इसको रात को सोने से पहले लगा के सो जाएं, सुबह उठे मेकअप से पहले आप यूज़ कर सकते हैं इसे, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। मॉइस्चराइजर और सीरम में फ़र्क होता है, हाइड्रेट और मॉइस्चराइज तो दोनों ही करते हैं, लेकिन ये थोड़ा पतला लिक्विड ही होता है और मॉइस्चराइजर थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी गाढ़ी होती है। इसके फ़ायदे मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक तो आपके स्किन टेक्सचर इम्प्रूव करता है, आपके पोर्स अगर इनलार्ज हुए हुए हैं तो आपके पोर्स को श्रिंक करेगा और एक स्मूथ ग्लोई इफेक्ट देगा आपकी स्किन को, और आपकी स्किन इंशाल्लाह हेल्दी हो जाएगी। और हेल्दी स्किन किसको नहीं पसंद, आप डेली 2 बार यूज करें इसे। आपको ये रेमेडी इसके अलावा आपको कोई और रिक्वेस्ट हो किसी भी किस्म की मेकअप से रिलेटेड या किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कुछ रिव्यू चाहिए हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।